Hello friends, welcome to my YouTube channel Online Study for Computer Science. So PostgreSQL सीखने की इस सीरीज की ये 9th वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे कि हम टेबल में किसी डेटा को या किसी रो को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग रो है उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने टेबल में, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने टेबल बनाना सीख लिया, उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया है, वैल्यू हम कैसे फेच करते हैं ये भी हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसी एक वैल्यू को हम से उसको अपडेट करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है स्कूल नाम का, वही हमारे पास जो भी पहली वाली वीडियोज में था उसमें एक स्टूडेंट्स नाम से टेबल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक बार आपको डेटा यहाँ पर मैं एक बार शो करवा देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल का नाम है जो मैंने गलत दिया, ठीक है। सेलेक्ट स्टार और फ्रॉम यहाँ पर लगाना है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास टेबल में डेटा अभी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो अब हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी एक रो को हम लेट से मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इस क्वेरी को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो हम बात करते हैं लेट से यहाँ पर कि जो थर्ड नंबर का जो नेम है निशांत और अग्रवाल, तो सपोज हम इसका लास्ट नेम या कुछ भी हम फर्स्ट नेम या एज कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो सबसे लास्ट में है राहुल गर्ग, ठीक है, जिसकी एज 22 है। लेट्स से मैं इसका जो लास्ट नेम है वो मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसमें वेयर क्लोज का यूज होता है, इसीलिए हमने वेयर क्लोज पहले पढ़ लिया, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेयर क्लोज यहाँ पर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कैसे कंडीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए, अपडेट क्वेरी के लिए आपको वेयर क्लोज का यूज होगा, ठीक है, इसीलिए हमने पहले उसको पढ़ा था, ठीक है। सो ये हम कैसे करेंगे, हम लेट से राहुल गर्ग है जिसकी एज 22 है, इसका हम लास्ट नेम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्वेरी होती है अपडेट, सिंपल अपडेट करना है हमें। तो अपडेट किसको अपडेट करना है, कौन से टेबल को अपडेट करना है, उसका नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो लेट से अपडेट स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट नाम के टेबल को हमें अपडेट करना है, ठीक है। अब हमें क्या अपडेट करना है, हम क्या क्या चेंज करना है, कॉलम्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे लेट से मैं लास्ट नेम को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सेट एल नेम, मतलब कि मैं एल नेम को सेट, लास्ट नेम को मैं सेट करना चाहता हूँ, सेट एल नेम इक्वल्स टू क्या सेट करना है, उसकी जो नई वैल्यू क्या देना है एल नेम में आपको, वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पर शर्मा प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसका लास्ट नेम है जो गर्ग है, तो मैं इसको यहाँ पर शर्मा प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंडीशन देनी होगी, अगर हम सिंपल इतनी ही क्वेरी को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, अगर मैं सिंपल इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो भी टेबल में जितने भी रोज हैं उन सबका एल नेम है जो शर्मा सेट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। बट हम किसी एक पर्टिकुलर रो को चेंज करना चाहते हैं, तो हम पर्टिकुलर रो को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंडीशन भी डिफाइन करनी होगी कि वेयर आपको कंडीशन देना होगा, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी रो को आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। वेयर मैं लेट से यहाँ पर कंडीशन दे सकता हूँ कि एज इक्वल टू 22, ठीक है, क्योंकि राहुल की एज अभी यहाँ पर 22 है, ठीक है। आप कुछ भी एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो यूनिक हो, लेट से उसका फर्स्ट नेम है जो राहुल हो, या आईडी है जो थर्ड हो, ठीक है, कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कंडीशन। अभी क्या करेगा, पर्टिकुलर जहाँ पर उसको एज 22 मिलेगा उसका जो लास्ट नेम है वो शर्मा यहाँ पर कर देगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब मैं अगर यहाँ पर वापस से आपको टेबल में यहाँ पर शो करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेबल है जो अपडेट हो चुका है, उसमें यहाँ पर राहुल है, उसका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर शर्मा चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर हम उस क्वेरी में कंडीशन वेयर क्लोज डिफाइन नहीं करते, हम सिंपल कोई कंडीशन नहीं डिफाइन करते, सिंपल इतना लिखते कि सेलेक्ट अपडेट स्टूडेंट्स एल सेट एल नेम इक्वल टू शर्मा, तो क्या करता कि सारी रोज को वही वो अपडेट कर देता, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर कंडीशन वहाँ पर डिफाइन नहीं की थी। तो हमें कोई एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट कर अपडेट करना है तो हमें वहाँ पर कंडीशन डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेरी को किसी भी रो को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएशन और है, अगर आप क्या चाहते हैं कि एक साथ में, अभी तो हमने एक एल नेम जो लास्ट नेम चेंज किया है, एक साथ में हम उसके मोर देन
कॉलम्स को भी सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको कॉमा करके वहीं पर डिफाइन करना है, जैसे अपडेट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेट, जैसे मैं फर्स्ट नेम को चेंज करना चाहता हूँ, लेट से कि मैं फर्स्ट नेम है, हम राहुल को ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो लेट से मैं फर्स्ट नेम है, इसका कुछ नाम एबीसी यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम में इसका एबीसी कर दूंगा मैं, और कॉमा करके अब मोर देन वन हम कॉलम्स यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, तो वो हम देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एल नेम यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। लेट से हम वापस से यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मोर देन वन कॉलम को अगर करना है एडिट, तो हम कॉमा करके यहाँ पर जितने कॉलम्स को एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर वेयर कंडीशन हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रो को एडिट करेंगे तो, ठीक है। वेयर एज इक्वल 22, अभी क्या करेगा, जहाँ पर एज 22 है उसका फर्स्ट नेम को ए बी सी और एल नेम को एक्स वाई जेड कर देगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब अगर मैं वापस से आपको उस टेबल को यहाँ पर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है राहुल है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यही देखा है कि कैसे हम किसी एक एग्जिस्टिंग टेबल में रो को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, इसके क्या क्या वेरिएशन है वो हमने यहाँ पर देखा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।